के जिन जो ये बात कह रहे हैं वो तो एगो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लालू प्रसाद जी बिहार में नीतीश कुमार जी की कृपा से मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लाल किला से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम किया और उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 2024 में फिर से आएंगे और विकास की गाथा की पूरे विस्तृत बताने का काम देश को करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे लालू प्रसाद यादव जी तो नीतीश कुमार के कृपा से एक मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे। अरे पहले अपना झोली तो देख लीजिए, फिर दूसरों पर आरोप लगाइएगा। कुछ इस तरह से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि आज जहां एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, जहां एक तरफ पूरा देश 77वां अपना आजादी का जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और गांधी मैदान से लेकर के तमाम पार्टी के दफ्तरों में तमाम जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो झंडोत्तोलन यानी फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास पर फ्लैग होस्टिंग किया। इतना ही नहीं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। उसके बाद आपको बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमलावर हुए। उनसे सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आखिरी बार लाल किले के प्राचीर से फ्लैग होस्टिंग किए हैं, इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इस पर सम्राट चौधरी का कहना था कि लालू प्रसाद यादव खुद तो देख लें कि नीतीश कुमार के कृपा से वो अब तो मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सकते, मुखिया तक नहीं बन सकते, वो प्रधानमंत्री जी पर क्या बोलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, किस तरह से आपको हम तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां सम्राट चौधरी पहले फ्लैग होस्टिंग करते हैं उसके बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर बयान देते नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। आज राष्ट्रीय पर्व है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारत और पूरे देश में खुशहाली का माहौल है। वासियों को मैं पूरी शुभकामना देता हूँ। 77वां आजादी के वर्षगांठ को हम मनाने का काम कर रहे हैं और देश विकसित हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जो है नहीं झंडोत्तोलन कर पाएंगे। देखिए, जिन जो ये बात कह रहे हैं वो तो एगो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लालू प्रसाद जी बिहार में नीतीश कुमार जी की कृपा से मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तब लालू जी की बातों का जवाब देने से क्या फायदा है? जो मुखिया भी नहीं बन सकते हैं बिहार में, उनसे क्या बात करना है? लगता है कि आखिरी बार नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 10 बार इस देश के लाल किला से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम किया और उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 2024 में फिर से आएंगे और विकास की गाथा की पूरे विस्तृत बताने का काम देश को करेंगे। सर, अभी सीएम का विरोध किया गया है। देखिए, ये गलत परंपरा है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से वो झंडा तोलन कर रहे थे। यदि किन्हीं को आपत्ति है तो कल आप आपत्ति कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक को बिहार के मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन कर रहे थे, ये कोई भी कर रहा था तो गलत था।